हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है? क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव दानव मानव यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। अति लघु रूप धरे हनुमान, पैठा नगर सुमिरे भगवान। हाट बाट घर गलियन डोले, भेद लगावे भेद न खोले। कपटी छली दुरात्मा, लंका को जिसने माँ सीता हरी हर लूं उसके प्राण, फिर सोची इस श्रेय के योग्य नहीं। विरहाग्नि में जलते हुए सुख से कोई जीता नहीं, प्रियतम प्रतीक्षारत हृदय यो शांति रस पीता नहीं। निश्चिंत मग्न यह श्री राम परिणीता नहीं, यह सुंदरी कोई और है यह राम की सीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है यह राम की सीता। खोजत सीय को कपि पहुँचे उस धाम, शंख चक्र तुलसी जहां निश्चय उस घर राम। राम 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 राम। हे राम, जय श्री राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम जी की। जय श्री राम। आप हे देव, आप कौन हैं? लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और इस महल में कैसे आए? आकाश मार्ग से जा रहा था, इस आंगन में तुलसी का चौरा देखकर, प्राचीर में शंख तथा चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया कि ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहलवश आपके दर्शनों के लिए रुक गया। और अब रहा श्री राम की जयकार का प्रश्न, सो भगवान, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो बाहर से आया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, परंतु आप तो लंका के निवासी होकर भी श्री राम की जय बोलने का साहस कर सकते हैं। ऐसे साहसी वीर आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव दानव मानव यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। मुझे तो केवल इतना ही कौतूहल है कि राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जहां तक लंका में रहने का प्रश्न है, तो हे महात्मा, मैं उसी प्रकार यहां रहता हूं जैसे दांतों के बीच जीवा रहती है। किंतु इस दुखदायी अवस्था में भी एक ही आशा है कि एक दिन मुझे श्री राम के दर्शन होंगे और वो मेरा उद्धार करेंगे। बड़े विस्मय की बात है, आपने अभी तक प्रभु श्री राम को देखा नहीं और उनकी भक्ति कर रहे हैं, ये कैसा रहस्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाइयों ने एक साथ कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा, तो बड़े भाइयों ने शक्तियां मांगी और मैंने केवल श्री नारायण की अनन्य भक्ति और उनके दर्शनों का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेकर लंका आएंगे, तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में राम नाम का जाप कर रहा हूं। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं? आपने अभी कहा कि आप बाहर से आए हैं। आप कोई हरिभक्त हैं, कोई देवता हैं, अथवा स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपने दिव्य दर्शन देने यहां आए हैं? राम राम राम, आपने मुझे कहां पहुंचा दिया राजन? मैं तो एक अधम से अधम व्यक्ति हूं, एक ऐसे कुल का हूं जिसका प्रातः नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। मेरा ये छद्म वेश है, मेरा असली रूप वानर का है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखो, मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को भी अपना सेवक बना लिया, और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर सदा विश्वास रखना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। हे हनुमान, आपके इस गूढ़ उपदेश से मेरी भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे अनाथ जानकर एक दिन प्रभु मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे।
इस उपकार के लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। उठिए राजन, सेवक सेवक को शीश नहीं नवाता, दोनों को अपने स्वामी के ही कार्य में रत रहना चाहिए। अब मेरे आने का प्रयोजन सुनिए। रावण सीता माता को छल से हर लाया है। श्री राम प्रभु की आज्ञा से मैं उनकी खोज में आया हूं। रावण के महलों में चारों ओर ढूंढ चुका हूं, परंतु माता का कहीं पता नहीं चला। यदि आपको उनका कुछ पता हो तो मुझे बताने की कृपा करें। कपि श्रेष्ठ, यह आपने कैसे जान लिया कि माता सीता रावण के राजमहल में आराम से सो रही होंगी? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हुई एक वृक्ष के नीचे एक तपस्विनी की भांति रहती है। चारों ओर से भयानक राक्षसियां उन्हें घेरे रहती हैं। अशोक वाटिका के बाहर बड़े बड़े महाभट राक्षस पहरा देते रहते हैं, इसलिए अंदर जाने से पहले आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी, और आप तो अकेले हैं। मैं अकेला भी उनके लिए बहुत हूं, परंतु मेरे विचार में यह उचित नहीं होगा। मैं माता से मिलने से पहले किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता, नहीं तो यह पता लगने पर कि राम का कोई दूत सीता माता से मिलने आया है, वो लोग उन्हें कहीं और छुपा देंगे। फिर कुछ नहीं, मैं अपना रूप अति लघु कर लूंगा और रात के अंधेरे में चुपचाप माता के आसपास पहुंच जाऊंगा। एक बार उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाकर उन्हें कुछ सांत्वना दे लूं, फिर मैं अपने दूसरे रूपों में रावण के योद्धाओं की शक्ति का भी परिचय पाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, अब सारा दिन कहीं छुपकर बिताऊंगा और रात्रि के अंधेरे में अशोक वाटिका पहुंच जाऊंगा। जाइए भक्तराज, श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार्ग की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पार्श्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोक हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी, वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है, उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति 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 शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति है, वही धर्म हो जाता है। नहीं भ्राता, नहीं, यह अधर्म है, और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं।
पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है, वह वानर पहले तेरे घर में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है, हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है, जा। भैया मुझे गलत न समझिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा मेरी नजरों से दूर हो जा, जा लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है, जा। हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है। हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है। दूसरी ओर नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है, अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा, अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। जाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। Thank you.
अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भए सब तब ही ने भी कह दिया कि लंका से चले जाओ, मैंने भी कह दिया कि लंका छोड़ दूंगा। कहना आसान था परंतु अपनी जन्मभूमि को छोड़ना कठिन लगता है। मुझे बार बार अपनी प्रजा और राक्षस जाति का ध्यान आता है। केवल एक पापी के पाप और अहंकार के कारण सारी निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। वीर राक्षस जाति का नाम मिट जाएगा। अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का आभास बार बार मन में उठता है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता। मैं कैसे अपनी मातृभूमि का समूल विध्वंस होने से बचा सकूं? अब इन बातों के सोचने का समय नहीं रहा। इससे पहले कि महाराज रावण के मन में आपको बंदी बनाकर कारागार में डालने का विचार आ जाए, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। पर मैं कहां जाऊं? हो सके तो श्री राम के पास जाकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो रावण के पापों का दंड उनकी निर्दोष प्रजा को ना दे। परंतु युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, और यह युद्ध अवश्य होगा। फिर तो और आवश्यक है उनसे मिलकर युद्ध का रुख इस प्रकार मोड़ा जाए जिससे प्रजा की कम से कम क्षति तो न हो। इसके लिए आपको श्री राम जी से मिलकर उनका विश्वास पात्र बनकर युद्ध की बागडोर संभालने में सम्मिलित होना पड़ेगा। मैं श्री राम का भक्त अवश्य हूं, परंतु इस समय वो लंका के शत्रु हैं। क्या मेरा धर्म उनका साथ देने की आज्ञा देता है? हाँ राजन, पहली बात तो ये कि श्री राम लंका के शत्रु नहीं, रावण के शत्रु हैं। वो रावण जो इस समय एक प्रकार का देशद्रोही है, क्योंकि इस समय वो निजी काम की अग्नि में भड़का हुआ किसी का उपदेश ना मानकर धर्म नीति और मर्यादा को अपने अहंकार के पांव तले रोनता हुआ सारे देश को युद्ध की आंख में झोंक रहा है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए रावण का अंत आवश्यक है। उसके दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि आपके पास ऐसी सेना की शक्ति हो तो उसे सिंहासन से उतारकर राम के साथ संधि कर ली जाए, परंतु यह संभव नहीं। इसलिए दूसरा एक ही रास्ता है कि आप स्वयं श्री राम से मिलकर युद्ध का संचालन ऐसे करें जिसका लक्ष्य केवल उस आततायी रावण का अंत हो। इस समय यही आपका धर्म है। ये इतना गंभीर विषय है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले इसमें गुरुजन की सम्मति और आशीर्वाद आवश्यक है। अतः मैं अपनी माता के पास जाता हूं, वो जैसी आज्ञा देंगी मैं वही करूंगा। राजमाता कैकेयी से कहो कि हम उनके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। जो आज्ञा। राजमाता जी की जय हो।
क्या है? आपके छोटे पुत्र विभीषण जी दर्शनों के आज्ञा चाहते हैं। उन्हें बुलाओ। दीर्घायु हो पुत्र, भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करे। आसन ग्रहण करो। मां, मैं एक गंभीर समस्या के समाधान के लिए आया हूं, मेरा मार्गदर्शन करो माता। बहुत अस्थिर चित से बात कर रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है वत्स? बड़े भैया महाराज रावण ने मुझे देश निकाला दे दिया है। रावण ने तुम्हें देश निकाला दे दिया है? क्यों? आज दरबार में उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। क्यों? मैंने अपने मतानुसार उन्हें परामर्श दिया कि प्रथम तो सीता का हरण करना ही उचित नहीं था। एक पर स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर में रखना धर्म विरुद्ध है। वो पतिव्रता स्त्री है। माँ, इस पाप के कारण लंका का विनाश हो जाएगा। उधर श्री राम किष्किंधा के महाराज सुग्रीव की सहायता से एक विपुल वानर सेना को लेकर लंका की ओर बढ़ रहे हैं, और इधर हमारे मंत्री उन्हें परामर्श दे रहे थे कि राम और लक्ष्मण की कोई चिंता न करें, हमारे राक्षस सेना सहित उनका अंत कर देंगे। परंतु मैंने उन्हें कहा कि जिनका दूत हनुमान अकेले ही सारी लंका को जलाकर राख कर गया है, उनकी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक स्त्री के लिए किसी शक्तिशाली शत्रु से लड़ाई नहीं मोल लेनी चाहिए। हमें देवी सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। उन्हें यह मत नहीं भाया। मैंने अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया कि भैया, केवल अपने हट के लिए लंका का विनाश न करो। परंतु उन्होंने पैर की ठोकर से मेरा मुकुट दरबार में फेंक दिया और मुझे लंका से निकाल दिया। ये रावण ने अच्छा नहीं किया। परंतु इसके पश्चात तुम्हारे लिए और कोई उपाय नहीं है। राजा की आज्ञा है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मां, इस समय ये संकट उन पर तो आया ही है, परंतु उनके कारण सारे देश पर संकट की छाया पड़ रही है। ऐसे समय में मैं अपने देशवासियों को संकट में छोड़कर कैसे चला जाऊं? अपनी प्रजा के प्रति सारे राजकुल का उत्तरदायित्व होता है। इस समय जाने से देशद्रोह नहीं होगा? यदि यहां रहकर तुम प्रजा की रक्षा कर सको तब तो तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। परंतु यहां रहकर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि रावण तुम्हें यहां स्वतंत्र नहीं रहने देगा। इसलिए पहला कार्य तो ये करो कि अतिशीघ्र यहां से चले जाओ। लंका से बाहर जाकर सोचो कि तुम लंका की निर्दोष प्रजा की रक्षा कैसे कर सकते हो, किसकी सहायता लेकर कर सकते हो। मेरे मंत्रियों और मित्रों का मत है कि मुझे स्वयं श्री राम के पास जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनका बैर रावण से है, उनके कारण लंका की निर्दोष प्रजा को दंड न दिया जाए। विचार अच्छा है, परंतु परंतु क्या मां? परंतु इसमें बहुत संकट है। क्या? श्रीराम तुम्हें क्यों अपनाएंगे? तुम शत्रु के भाई हो, इसलिए नीति अनुसार उन्हें तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें तुम्हारे साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो वो रावण के साथ करेंगे। तो दूसरा उपाय क्या है? क्या मैं लंका छोड़कर साधु हो जाऊं, किसी गुफा में बैठ जाऊं और अपने देश का नाश होने दूं? नहीं, वो अकर्मण्यता होगी। जिसका देश संकट में हो उसे ये नहीं सुहाता। फिर? तुम्हारे मंत्री ठीक कहते हैं। तुम्हें प्रजा हित के लिए
अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी श्री राम के पास चले जाना चाहिए, या तो वो तुम्हें शत्रु पक्ष का समझकर मृत्युदंड दे देंगे, और इस बलिदान से राजकुल में उत्पन्न होने के अपने उत्तरदायित्व से तुम मुक्त हो जाओगे। यदि वो एक बार तुम्हें वचन दे देंगे तो फिर कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि रघुकुल वाले अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं। प्राण दे देंगे परंतु अपना वचन झूठा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता महर्षि विश्रवा के कथन सत्य होने का समय आ गया है। कौन सा कथन मां? जब वो हिमालय जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा था, देवी तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र रावण का विनाश काल आरंभ हो गया है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु ने रघुकुल में अवतार ले लिया है। अब समय आने पर उनके द्वारा रावण सहित राक्षसों का संहार हो जाएगा। स्वामी, क्या एक रावण के कारण हमारा सारा कुल और राक्षसों का यह उन्नत समाज विनाश को प्राप्त हो जाएगा, और पितरों को जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं रहेगा? कैकसी, तुम्हारा छोटा पुत्र विभीषण अपनी जाति का उद्धार करेगा। उसी के द्वारा उन राक्षसों की रक्षा होगी जो अधर्म के मार्ग से हटकर प्रभु की शरण में जाएंगे। सो पुत्र, मुझे उनकी भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई दे रही है। तू यहां से सीधा श्री राम के पास चला जा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मां, एक बार फिर अपने बड़े भैया से प्रार्थना करके देख लूं, कदाचित उनका क्रोध इस समय शांत हो गया हो और वो मेरी बात सुन ले। तू बड़ा साधु है विभीषण, जा फिर जाकर देख ले। विभीषण, लगता है तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है। भैया, मैं माता कैकसी की आज्ञा से एक बार फिर आपसे प्रार्थना करने आया हूं। जो हमें सुनाने आया है वह प्रलाप जाकर माता जी को सुना। भैया, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि प्राणी के हृदय में रहते हैं। हर प्राणी अपनी अपनी इच्छा और कर्मानुसार दोनों में से एक का अनुसरण करता है। शास्त्र कहता है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सो भैया, सद्बुद्धि का आश्रय लीजिए। इस समय कुमति ने आपके मन पर प्रभाव डाल रखा है, सो आपको हित और हनित की पहचान नहीं हो रही है। मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। सीता जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस पर आपकी प्रीति बढ़ रही है, और जो आपको विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोकते हैं। बस विभीषण, त्रोही हमारा खाता है और प्रीत करता है उन वनवासियों से, मूढ़ हमारे जिलाए जीता है और कामना करता है शत्रु के द्वारा हमारे विनाश की। धिक्कार है तुझ जैसे कुलद्रोही पर। नहीं, नहीं।
सम लगे हितैषी मीत, आवे काल विनाश को बुद्धि होए विपरीत, बुद्धि होए विपरीत। मेघनाथ ठीक कहता है, यह शठ दया का पात्र नहीं है, नहीं है। लो आ गए। क्या कहा राजमाता ने? मां का भी यही मत है कि श्री राम की शरण में जाओ। तू चले। चले उहरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन माही, जिन पाइन के पादुकनी भरत रहे मन ला, सपद सिंधु एही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोर पुदूत बिसेखा, जाना कोर पुदूत बिसेखा। वो देखो शत्रु के कोई दूत आ रहे हैं। जाओ जाकर महाराज सुग्रीव को इसकी सूचना दो। सुग्रीव शिविर में है जी। श्री राम प्रभु की आज्ञा है कि छावनी में चारों तरफ हर समय पहरा रहना चाहिए। महाराज की जय हो। कहो। महाराज कुछ लोग आकाशमार्ग द्वारा लंका की ओर से हमारी तरफ आ रहे हैं। लंका की ओर से? जी हाँ महाराज। तो प्रभु श्री राम का कहना उचित ही है, हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। आओ चलें। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले तुम लोग कौन हो? कहां से आए हो? किस विचार से आए हो? सावधान, सब सच सच बताना। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि असत्य भाषण मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आप
किष्किंधा नरेश वानरराज सुग्रीव लगते हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है, अब अपना परिचय दो। हे कपिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। जब से वो देवी सीता को पंचवटी से हर कर लाए हैं, हमारे बीच मतभेद बढ़ता ही गया है। मेरे बार बार ये कहने पर कि देवी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए, उन्होंने मुझे बहुत सी कठोर बातें कहकर मेरा अपमान भी किया। इसी से मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूं। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। अच्छी बात है, हम श्री राम तक आपका संदेश पहुंचा देते हैं, परंतु तब तक आप वहीं रहिए, हमारी छावनी में आने की चेष्टा मत करिए। इन पांचों का ध्यान रखो, हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। जो आज्ञा महाराज। रघुनाथ जी, अपने आप को लंका के राजा रावण का छोटा भाई बताने वाला एक असुर आया है, आपकी शरण में आना चाहता हूं, यह कहकर वह आपके पास आने की आज्ञा चाहता है, परंतु वह शत्रु का भाई है। इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उसको अपने शिविर में आने की अनुमति दी जाए या नहीं। आप सबका इस बारे में क्या मत है? संभव है वो रावण का कोई गुप्तचर हो। भाई हो या गुप्तचर हो, है तो हमारा शत्रु ही। इन मायावी राक्षसों का क्या भरोसा? शरण की बात कहकर हमारे दल में घुसकर अंदर ही अंदर हमारा अनिष्ट करें, हमारा विश्वास जीतकर हम लोगों पर ही प्रहार करें। भगवान, हमें उसकी बातों में ना आकर उसे तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। वानर राज, जिसके हृदय में कपट हो वो इस प्रकार खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आता। उससे उसका परिचय पूछना चाहिए, वो कौन है, क्या नाम है उसका? विभीषण नाम बताया है उसने अपना। विभीषण? क्या विभीषण नाम बताया उसने? क्यों, क्या शंका उत्पन्न हुई नाम सुनकर? शंका? शंका के तो बादल छट गए विभीषण नाम सुनकर। यदि वास्तव में वो विभीषण ही है तो? हनुमंत, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे विभीषण अपना स्वजन हितैषी हो। वो हो नहीं सकता, आखिर वो रावण का भाई है, एक राक्षस है, सो मनमाना रूप धारण कर सकता है। राक्षसों में अंतर्धान होने की शक्ति भी होती है, वो अवसर पाकर हमारी बहुत हानि कर सकता है। राक्षस जाति का है, इसीलिए वो दुष्ट या दुर्जन हो ये मान लेना अन्याय है। कोई भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो अपने कर्मों से अच्छा और बुरा होता है। राक्षसों में भी राजा बलि जैसे धर्मात्मा और दानी, प्रहलाद जैसे हरिभक्त हुए हैं जामत जी। उसी प्रकार विभीषण भी आपका परम भक्त है प्रभु। बल्कि सीता माता ने तो मुझे यह भी बताया था कि विभीषण अपनी बेटी के हाथ चोरी छुपे कभी कभी उन्हें भोजन भी भेजता रहता है। हो सकता है उस समय उसकी पुत्री ने सहानुभूति के कारण ऐसा किया हो, परंतु आज स्थिति दूसरी है। लंका में सब जानते होंगे कि इस समय श्री राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। इस समय विभीषण का अपने भाई के बैरी के पास आने का न तो उचित समय है
और न उचित स्थान। जो संकट में अपने सहोदर भाई को छोड़ दे उस पर तनिक सोच समझकर विश्वास करना चाहिए भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई इस संसार में तो क्या तीनों लोगों में दुर्लभ है, अतः उनके मापदंड से सबको मापना उचित नहीं है। वानर राज, आप सबके विचार मैं एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अब आप सब मेरे विचार भी सुने, उसके पश्चात अपना निर्णय दें। संभव है विभीषण में कुछ दोष हो, उसके मन में कुछ दुराव भी हो, परंतु मेरा एक प्रण है कि जो शरण में आए उसे अभय कर दूं। मित्रता की याचना करता हुआ कोई शरणार्थी बनकर आया है उसे ठुकराना दोष है। दोषी को आश्रय देना भले ही वो ठगने क्यों ना आया हो सत्पुरुषों के लिए उचित है, ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, और धन्य है आपके आदर्श, हम लोग उसके स्वजन नहीं, फिर भी वो आपसे शरण मांगने आया है, मुझे इसमें कोई कपट दिखाई नहीं देता। मैं आप सबके विचारार्थ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। पूर्व काल में महर्षि कण्व के पुत्र महान सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक निर्णय दिया था, आर्तो वा यदि वा दृष्ट परेषां शरणं गतः अरे प्राणानां परित्यज रक्षितव्यः कृतात्मना। यदि शत्रु भी शरण में आए और दया की याचना करे तो उसे भी निराश नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या दुरात्मा, यदि वो विपक्षी की शरण में आ जाए तो निर्मल मन वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का बहु छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पाप का भागी होता है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है। यदि शरण में आया हुआ प्राणी रक्षक के सामने नष्ट हो जाए तो वो उसके सारे पुण्यों को ले जाता है। मैं आज महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का पालन करूंगा। मैं तुम्हारा हूं, यदि ऐसा कहकर कोई मेरी शरण में आया है तो उसे ग्रहण न करना महान अधर्म होगा। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है, यदि स्वयं रावण भी शरणागत बनकर आए तो भी मैं अपना पन निभाऊंगा, उसे शरण दूंगा। युवराज अंगद, उसे आदर के साथ हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। हे राक्षस कुल मणि विभीषण जी, मैं बाली पुत्र अंगद आपको प्रणाम करता हूं। मुझे श्री राम प्रभु ने आपको ये कहने को भेजा है, प्रभु ने आपकी प्रार्थना पर आपसे भेंट करना स्वीकार कर लिया है, अतः आप पधारे, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए।
जय श्री राम। जय श्री राम। पधारिए, श्री राम प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। एक टक पल रोकी। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है, जिसके कारण स्वभाव से ही मुझे पापों से लगाव रहा है। ये सब होते हुए मैं आपके दर्शनों का भी पात्र नहीं हूं, फिर भी आपकी यश गाथा सुनकर आपसे मिलने आया हूं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं। जिसे आपकी शरण मिल जाए, उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु, मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैंने उन्हें अधर्म और अनीति से बचाने के लिए इस बात पर जोर दिया था कि देवी सीता को सम्मान के साथ आपके पास पहुंचा दिया जाए और लंका तथा लंका की निर्दोष प्रजा को युद्ध के संहार से बचाया जाए। परंतु वो किसी प्रकार नहीं माने। मैंने अपना मुकुट तक उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने उसे भी ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। अब मैं अपमानित और तिरस्कृत होकर अपना परिवार, धन संपत्ति सब छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। मेरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं। सो मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। स्वामी, मैं तो एक सेवक बनने आया था, आपने मुझे मित्र का स्थान दे दिया। मैं इसका पात्र नहीं था। यह आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता भी है लंकेश। लंकेश, प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण है। आपने एक शरणार्थी को यह संज्ञा कैसे दे दी? रावण तो केवल कुछ ही दिनों के लिए लंकेश रह गया है। उसके पाप कर्म उसकी सारी शक्तियों को क्षीण करके उसकी मृत्यु को बहुत समीप ले आए हैं। तत्पश्चात लंका का राज सिंहासन आपको ही संभालना पड़ेगा। युद्ध के पश्चात लंका की प्रजा को एक धर्मपरायण राजा के द्वारा सुख
और शांति देने का उत्तरदायित्व जितना हमारा होगा उतना ही आपका भी होगा। आपकी प्रजा का हित आपसे अधिक और किसके मन में होगा? हे प्रभु, आप सचमुच त्रिकालदर्शी हैं। यही बात आज मेरी पूजनीय माता ने मुझसे कही थी, जो मेरे पूज्य पिता श्री महर्षि विश्रवा हिमालय जाते हुए उन्हें कह गए थे कि महाराज रावण के पश्चात मुझे प्रजा की सेवा का कार्य संभालना पड़ेगा। और सच्ची बात यह है प्रभु कि मैं अपने मंत्रियों की सम्मति से आपकी शरण में इसी आशा से आया हूं कि लंका की निर्दोष प्रजा की ओर से आपसे दया की भीख मांगू, जिससे एक पापी के पाप के कारण सारी प्रजा को दंड न भुगतना पड़े। मित्र, हम तुम्हारी प्रजावत्सलता की सराहना करते हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारी सेना का कोई भी सैनिक लंका के किसी निर्दोष नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मेरी सेना तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेगी। हम केवल उन्हीं का संहार करेंगे जो युद्ध की इच्छा से हमारे सन्मुख आएंगे। मैं लंका निवासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपने अपने सेवक के साथ उन सबको निर्भय कर दिया। आपसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? प्रभु, यही अनुकंपा बनाए रखिएगा। तुम अनुकंपा की बात करते हो, हमें तो तुमसे बड़ी सहानुभूति है मित्र, कि उस दुष्ट मंडली में भी तुम कैसे अपने धर्म और अपनी नीति की रक्षा कर सके। कहते हैं कि दुष्टों की संगति से तो घोर नरक में रहना उत्तम है। मैं हनुमान से सारी गाथा सुन चुका हूं कि ऐसे वातावरण में तुम किस प्रकार भक्ति की भावना में अचल और अडिग होकर खड़े हो। प्रभु, सारी शक्ति भक्ति ही देती है, उसमें भक्त की कोई शूरवीरता नहीं। जिस क्षण आपकी छवि मन में उदय हो जाती है, उसी क्षण मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भाग जाते हैं। अन्यथा तो मुनिगण भी सहस्त्रों वर्ष ध्यान लगाकर भी कुछ नहीं पाते। यही परम सत्य है, जो संसार का माया मोह, भाई बंधु, मित्र, परिवार, छल कपट सब कुछ छोड़कर केवल एक प्रभु की ही शरण में जाता है, जिसका कोई आसरा नहीं होता, उसे भगवान स्वयं आश्रय देते हैं। मित्र, तुम हमारी शरण में आश्रय मांगने आए हो। हमने तुम्हें लंकेश कहा है, हमारे बाण की भांति हमारा वचन भी अमोघ है, जो झूठा नहीं हो सकता। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया है, उसके बदले हम आपको राजमुकुट पहनाएंगे। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र का पवित्र जल मंगवाइए। सागर में समस्त तीर्थों के जल का समावेश है। अपनी सेना के सामने उसी पवित्र जल से हम लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। लक्ष्मण, छावनी के मध्य में उचित प्रबंध किया जाए। जी भैया। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो
पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिसर्वज्ञं शान्ति शान्ति मित्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु मेरी शरण में आने का और मेरे दर्शन करने का फल अमोघ है। अतः मैं सागर के पवित्र जल से, जिसमें समस्त नदियों और समस्त तीर्थों के जल का समावेश है, तुम्हारा अभिषेक करता हूं। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। लंकापति महाराज विभीषण, लंका का राज्य आपके लिए कल्याणकारी हो। लंका नरेश यहाँ